अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यूनिक तरीके की, बहुत ही नई और इंटरेस्ट और टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है तरोई और परवल मिक्स सब्जी। दोनों को मैं एक साथ मिक्स करके बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सब्जी बनती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तरोई और परवल की रेसिपी बनाने की, मतलब सब्जी बनाने की रेसिपी। तो आइए मैं चलती हूँ आप सबको लेके, और मैं किचन में वहाँ पे मैं बनाती हूँ, और उसको खाने के बाद उंगलियाँ आप चाटते रह जाओगे। बहुत ही यूनिक तरीके की ये सब्जी बनती है। तो चलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए आप सबको लेके चलते हैं किचन में, और मैं वहाँ बनाती हूँ तरोई और परवल की सब्जी मिक्स अपने ही तरीके से। तो अल्लाह हाफिज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये परवल और तरोई की सब्जी। हमने परवल और तरोई को धो के छिल लिया था और छिलके काट लिया है, और ये परवल और तरोई एक साथ हम बनाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। मेरी नानी जो है बताया करती थी इसका जो है बनाने का तरीका, कहती थी बिटिया जल्दी से तरोई और परवल की सब्जी बना दो, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने नानी के लिए तरोई की सब्जी और परवल की सब्जी एक साथ बनाते थे, बहुत शौक से खाती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे जो है याद आता है। तो आज मेरे पास तरोई और परवल दोनों थे, तो मैंने सोचा आज मैं अपने नानी की सब्जी बनाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए आप सबको हम दिखा रहे हैं ये कैसे बनता है। तो ये हमने प्याज ले लिया है, दो प्याज हमने काट लिया था, और एक टमाटर भी हमने काट लिया था, और ये है दो मिर्चे सूखे, और चार मिर्चे हरे हमने छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा उसको दरदरा सा पीस के भी डाल सकती हैं। और चार कलियां लहसुन की थी, उसको जो है बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले तेल में ऐड कर। तो ये देखिए तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, दो चम्मच तेल हमने तीन डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे दो सूखे मिर्चे। ये देखिए ये दोनों सूखे मिर्चे जो है, इसमें थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा, ये मतलब पक जाएंगे तेल में। फिर इसमें हम डाल देंगे जो है लहसुन और प्याज। तो देखिए सूखे मिर्चे जो है हमारे तेल में ब्राउन हो गए हैं, और इसका जो है तीखापन और इसका जो है टेस्ट सारे तेल में उतर गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हम निकाल के एक साइड में रख देंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन। सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। तो ये सबसे पहले हमने लहसुन डाल दिया है, और गैस को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे। तो जो हमने हरी मिर्ची काटी थी, अब हमने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा जो है नरम हो जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो ये हमने प्याज भी डाल दिया है, मिर्चा थोड़ा सा नरम हो गया था तो इसमें हमने प्याज भी ऐड कर दिया है। अब ये प्याज हमें थोड़ा सा ब्राउन, मतलब नरम करना है, जब ब्राउन नहीं करना है, ना गोल्ड करना है, ना पिंक करना है, बस थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे परवल। तो ये दोनों मिर्चे जो है हमने निकाल के रख लिया है, अभी हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम दिखाएंगे कि इसमें भी हम इसको फिर कैसे ऐड करते हैं। ये मेरा टमाटर रखा, अभी परवल डालेंगे, परवल के बाद फिर हम टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा जो है नरम हो रहा है, तो ये प्याज हमारा नरम हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे परवल जो हमने काटा था। गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। और इसमें थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें तरोई। ये देखिए तो इसमें अब हम डाल देंगे तरोई, थोड़ा सा हमने परवल को भून लिया है प्याज के साथ, अब इसमें हम डाल देंगे तरोई, और तरोई डाल के भी इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, इसलिए कि तरोई में पानी होता है ज़्यादा, तो उसके पानी की वजह से परवल भुना नहीं पाता है सही से। तो पहले परवल और प्याज को जो है भून लो, उसके बाद तरोई को डालेंगे। बहुत अच्छी ये सब्जी बनती है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस सब्जी को, बिल्कुल मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। तो ये हमने लिया है एक चम्मच नमक, आधा चम्मच
हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर और एक चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर हमने लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर, ये तो ये सारे चीज़ हम इसमें ऐड करके और इसको अब हम चला देंगे। और चलाने के बाद गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकेगा। इसलिए तरोई में पानी होता है, जितने स्लो आँच में इसको बनाएंगे आप उतने ही टेस्टी बनेगा ये। और गैस का जो है फ्लेम हाई करके बनाएंगे तो ये इतना टेस्टी नहीं बनेगा और उतनी अच्छी नहीं लगेगी सब्ज़ी। तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसको जो है बिटिया तरोई की सब्ज़ी और परवल की सब्ज़ी बिटिया बनाओ, मुझे बहुत पसंद है बिटिया बिटिया करके। मेरी नानी बनवाती खाती थी जब भी आती थी, बिटिया मेरी नतनी मेरी बिटिया बनाओ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने नानी के लिए स्पेशल जो है तरोई और परवल ज़रूर मंगवाती थी मार्केट से और उनके लिए मैं इस तरह से बना के भून देती थी खूब बढ़िया तेल में, तो बहुत ही टेस्टी बनती थी, उनको बहुत ही पसंद आती थी ये सब्ज़ी। तो ये जो मिर्चे हमने भून के निकाल लिए थे तेल में, उसको भी हमने थोड़े एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ के रख लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे कि इसका सोनापन जो है तरोई में उतर जाए। तो ये देखिए इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका जो है सोंधापन बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। ये वाली मिर्चें भून के जब इसमें डालो, ये सब तरीका जो है मेरी नानी का है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये टेस्टी गाइस बहुत ही पसंद आएगी, टेस्टी सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये सब्ज़ी हमारी पक रही है, 4-5 से 6 मिनट तक ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुका है, ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी यमी और कितनी टेस्टी जो है बन के तैयार हुई है। देखिए इसका कलर देखिए और ये देखिए बिल्कुल जो है सूखी सब्जी है, इतना तो जो है लजीजपन इसमें रहेगा ही, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो बेकार हो जाएगा उसका टेस्ट। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी सब्ज़ी मेरी बनी है और कितनी टेस्टी बनी है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बना के खाइएगा बिटिया तरोई और परवल की सब्जी बनाओ। इसका यही जो है लैंग्वेज है, बिटिया तरोई व परवल की सब्जी मिक्स बनाओ बेटा, ज़रा बिटिया बना के खिला दो मुझे बिटिया। तो इसका यही भाषा है और इसी भाषे में ये बनता है। और इसको जो है मेरी नानी तो दुनिया में रही नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये उनकी सब्जी है और उनकी पसंद की सब्जी है और जो भी इसको खाता है उसी का पसंद ये बन जाता है। तो बहुत टेस्टी और बहुत यमी सब्जी है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो हमारे जो है इस सब्जी को जो है हर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज। तो ये तरोई और परवल की सब्जी आप लोग देख चुके हैं कि कैसे बनता है, हमने आपको दिखा भी दिया है कि बहुत ही अच्छा बहुत ही इंटरेस्ट सब्जी बनती है, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सब्जी बनती है। तो आप सबको हम दिखा चुके हैं, तो चलिए आगे भी हम अच्छी अच्छी जो है सब्जियां और रेसिपी जो है आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मैं जो है अपनी वीडियो को यहीं पर एड करती हूँ और हमारी जो है सब रेसिपी और ब्लॉग दोनों मतलब आप लोग फॉलो कीजिए और देखिए और उसको जो है अच्छा बनाने की कोशिश की करूँगी मैं हर चीज़, और आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से दिखाऊंगी। और हमारे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ लेके आऊंगी और मैं उसका तरीका भी बनाने के लिए बताऊंगी और वो कैसे क्या क्या होता है सब बताऊंगी। आज तक मैंने जो भी रेसिपी बनाई है
आप लोग उसको जो है देखिए और उसी तरीके से फॉलो कीजिए, फिर बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।